हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ये श्लोक हमने बोर्ड पे लिखा नहीं है, क्योंकि मेरी महाराज से बात हुई तो महाराज समय ज़्यादा लेने वाले थे, बोला सवा माता महाराज खत्म करके, तो नहीं तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। वह श्लोक है श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 30 श्लोक संख्या 28। ये वो श्लोक है जिसमें श्रीमती राधा राधिका ने नाम डायरेक्टली भी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मेंशन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। अन्याराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्न विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन यत्रः। तो ये प्रसंग है कि रास्त पंच अध्याय के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, और रासलीला करते हुए भगवान अप्रकट हो जाते हैं सभी गोपियों से और एक गोपी के साथ में जा रहे होते हैं। तो सभी गोपियां जब देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में से ओझल हो गए हैं, तो उनको खोजने को बड़ा विधा महसूस करने लगी भगवान से, और भगवान श्री कृष्ण को खोजने लगी वन के अंदर जंगल के अंदर। तो खोजते खोजते उन्होंने क्या देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा देखा तो और अब कैसे पहचान गए भगवान के चरण कमल है वो, उसके दो कारण हैं। कैसे पहचान पाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दोनों चरण में कुल मिला के 19 शुभ चिन्ह हैं। भगवान के राइट पैर में 11 और लेफ्ट पैर में 8 शुभ चिन्ह हैं। तो एक बात तो ये इससे पहचान पाए कि भगवान के चिन्ह हैं। दूसरा क्योंकि ब्रज के अंदर जहाँ कृष्ण चलते थे उनके उनके पद चिन्हों के ऊपर कोई चलता नहीं था क्या अभी, है ना, तो इसीलिए वो भगवान के चरण कमलों को चिन्हों को पहचान पाए कि भगवान कृष्ण इस रास्ते से गए हैं। और साथ में उन्होंने क्या देखा कि एक और गोपी के भी चरण चिन्ह हैं, और वो कैसे पहचान पाए कि वो गोपी के चरण चिन्ह कैसे पहचान पाए कि किसके हैं, तो क्योंकि उनके चरण कमल में भी उसी प्रकार के 19 शुभ चिन्ह हैं, डिफरेंट हैं। राधा रानी के कृष्णा के राइट में 11, लेफ्ट में 8 और राधा रानी के वाइस वर्सा है 19 कुल मिला के, और अलग अलग हैं, कुछ सेम है कुछ अलग है चिन्ह। मैं तैयारी कर नहीं पाया, एक जगह मैं सोच रहा था कि राधा रानी के फुटप्रिंट्स का एक बड़ा और सब शुभ चिन्हों के साथ में एक अच्छा पोस्टर लगाया जाए, लेकिन उस जगह पे लगाते हैं तो भक्त राधा रानी के चरण चिन्हों को मेडिटेट कर सकते थे। तो उन्होंने देखा कि वो उनके चरण कमल भी साथ के अंदर है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमें देखिए यहाँ कृष्ण के साथ साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ जा रहे हैं। एक आश्चर्यजनक बात पूरे भागवतम के दशम स्कंद में हमें गोपियों के व्यवहार में देखने को मिलती है कि बहुत सारी जगह पे वह कृष्ण को कैसे पुकारते नंद महाराज के पुत्र, खासकर जब कात्यायनी का व्रत करती हैं गोपियाँ, तो जो श्लोक को प्रत्येक दिन कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती थी, महा का तो उसमें है नंद सुतम नंद गोप सुतम देवी पति में इस प्रकार से कि जो नंद गोप के पुत्र हैं वो आप हमें पति के रूप में दीजिए। अब साधारणतया वैदिक सभ्यता के अंदर और भारतीय सभ्यता के अंदर भी कोई स्त्री ससुर का नाम नहीं लेती है, है ना, कोई इस प्रकार से नाम नहीं लेती। तो यहाँ पे गोपियाँ ऐसा लगता है कि मतलब, और विशेषकर गांव की स्त्रियाँ होंगी तो और भी ज़्यादा नहीं प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे लगता है कि गोपियों को इस प्रकार के रीति रिवाज का पालन नहीं कर रही वो, लेकिन वो इसीलिए इस बात को आचार्य गण कहते हैं कि स्पेसिफिकली वो नंद गोप सुतम देवी नंद गोप का नाम यूज करें अपने ससुर का, मतलब जिस कोई कृष्ण से शादी करना चाहती हैं वो, तो निश्चित रूप नंद महाराज उनके ससुर हुए हैं, तो वो इसीलिए उनका नाम ले रही हैं। कि मान लीजिए कृष्ण नाम के कोई और भी व्यक्ति हो गया तो कात्यायनी को कहीं मतलब कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक नंद गोप हो सके नंद महाराज नंद गोपी गोप नंद भी हो सकते हैं कई हो, तो वो नंद जो कि ग्वाले हैं उनके पुत्र कृष्ण वो हमें पति के रूप में चाहिए।
तो ऐसे वो यहाँ पर भी कस्या पता नहीं चैता नहीं याता या नंद सुनुना कि नंद के पुत्र के तो चरण चिन्ह हमको दिख रहे हैं लेकिन साथ साथ एक गोपी के भी चरण चिन्ह लग रहे हैं। तो सभी गोपियां और फिर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रथम बार और अंतिम वाली कह सकते हैं, मतलब इतना डायरेक्टली राधा रानी का नाम ले रहे हैं। अन्य आराधितो रूनम भगवान हरिदीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम मनयत याम अनयत रह। अन्य आराधितो अनय आराधितो गोपी अन्य आराधितो नूनम नूनम मतलब निश्चय ही उन भगवान हरि की इस एक अन्य द्वारा गोपी ने बहुत अच्छे प्रकार से उनकी उपासना की रहेगी पूजा की रहेगी जिसके द्वारा भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हमको छोड़ दिया और उसके साथ एकांतवास करने के लिए चले गए। तो ऐसे गोपियां लगता है कि ईर्ष्यावश बोल रही होंगी लेकिन वास्तविकता के अंदर ईर्ष्या नहीं है उन्हें क्या है वो एक्सटेसी के अंदर बोल रही होंगी। They're very happy कि कृष्णा वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है जिसके द्वारा जिसके जिस जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण अकेले में गए हैं। तो कुछ आज के दिन बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं तो पहली बार इस पर्व पे लेक्चर दे रहा हूँ, कल से मेरा बहुत पसीना निकल रहा था कि इस विषय पे श्रीमती राधा रानी के विषय में क्या क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए और विशेषकर भक्त समाज में किस विषय पे चर्चा करनी चाहिए। तो बहुत सारे प्रसंग पे चर्चा की जा सकती है श्रीमती राधा रानी के विशेष तत्व के विषय के अंदर जिसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में अनेक जगह पर उद्धृत करते हैं। विशेषकर चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ के अंदर महाप्रभु के पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए वो श्रीमती राधा रानी की पोजीशन को एस्टैब्लिश करते हैं। तो संक्षेप के अंदर मैंने अभी कुछ 5-7 दिन पहले क्लास किया था तो आप सबसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है या नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक ग्वाले हैं जो भगवत्ता भी दिखा भगवान का कैरेक्टरिस्टिक भी फुलफिल करते हैं, है ना। मतलब ऑफ कोर्स कृष्ण भगवान है वो उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है लेकिन जो उनका मोस्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है पूर्णतम उनका परिचय में बताएगा कि कृष्ण कौन है। तो भगवान तो के साथ तो प्रेम ही समझते तो ईश्वर है बड़ा व्यक्ति है राइट, लेकिन उनका जो असली परिचय है वह है कि वृंदावन में रहने वाले एक ग्वाल बाल हैं, गोचारण करने वाले हैं जो कि नंद बाबा यशोदा माई के पुत्र हैं। और उनका पेशा क्या है, गाय चराना राइट। और वैसे क्या करते हैं पूरा दिन, वो साधारण भाषा बोला जाए तो मस्ती करते हैं, कुछ नहीं करते बस, है ना। नतस्य कार्यम करणम च विद्यते, वैसे ही भगवान की परिभाषा के अनुसार उनके पास कोई कार्य करना नहीं होना चाहिए। अब श्रीमती राधा रानी कौन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न कई बार आता है और विशेषकर कई प्रकार के लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि श्रीमती राधा रानी का नाम तो देखिए वैदिक साहित्य के अंदर कहीं हमें डायरेक्ट ज़्यादा मिलता नहीं है, कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनका तो नाम हमको मिलता है रुक्मिणी सत्यभामा जामवती सत्यानग्नजीत इत्यादि, लेकिन श्रीमती राधा रानी के विषय में तो हमें ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। और दूसरी बात तो क्या राधा रानी आप गौड़ी वैष्णवों के द्वारा की गई कोई मनोकल्पना तो नहीं है, है कि नहीं, या कोई अपस्टार्ट तो नहीं है। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए तथ्य भी है हमारे सामने। अब देखिए जितने भी भारतवर्ष के अंदर प्राचीन कृष्ण के मंदिर हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ हो, चाहे नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी हो, चाहे वे गुरुवायूर हो, उड़ुपी कृष्ण हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे पंडरपुर में विट्ठल हो, चाहे द्वारका के रुक्मिणी द्वारकाधीश हो, जितने भी कृष्ण के मंदिर हैं, अब देख कहीं पर भी राधा रानी है नहीं। आप गए कहीं पर राधा रानी देखा आपने, किधर भी नहीं देखा होगा आपने राधा रानी कि राधा रानी की कृष्ण के साथ पूजा हो रही है। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ना वैदिक साहित्य में राधा रानी का नाम है और ना प्राचीन मंदिरों के अंदर हमें राधा रानी के उपासना देखने को मिलती है।
तो इसका मतलब क्या है? हम लोगों ने कोई कॉन्कॉक्टेड फिगर बना लिया है राधा रानी के रूप में, क्या कहना है आपका? ऐसा है या नहीं है? ऐसा कदाचित नहीं है, हमारे आचार्यगण बताते हैं। आप नहीं नहीं बोल पा रहे, इसका मतलब आप सबको भी संदेह आ गया थोड़ा, तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं है और है भी। कैसे नहीं है? क्योंकि किसी ना किसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने उनका नाम शास्त्रों में दिया गया है, डायरेक्टली बहुत जगह नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है उसका मैं कारण आपको बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर में, कि बहुत गुप्त रूप से उनका नाम दिया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो कोई बोलता है भागवत में नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक के द्वारा श्रीमद् राधा रानी को इंगित किया जा रहा है, अन्य आराध्य अनया आराधितो नूनम, कि वह गोपी जिसके द्वारा भगवान विशेष रूप से पूजित हैं। और आराधना शब्द का मतलब क्या है? डिवोशनल सर्विस, भगवान की पूजा करना। तो श्रीमती राधा रानी का नाम तो डायरेक्टली राधा के रूप में ना हो, लेकिन इस वर्ड आराधितो के रूप में है। आराधितो मतलब जो कि भगवान की उपासना करने में, कि पर्सोनिफिकेशन का मूर्तिमान स्वरूपिणी है जो वह है। तो यानी श्रीमती राधा रानी डिवोशनल सर्विस, भगवान की प्रेमा और भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उनका नाम ले रहे हैं, डायरेक्टली नहीं ले रहे। इसका क्या कारण है? एक बाह्य कारण है, एक आंतरिक कारण है। आंतरिक कारण सुखदेव गोस्वामी इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यदि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम उच्चारण करते तो क्या होता, श्रीमद् भागवतम कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी एक्सटेसी में आ जाते हैं, ये तो शुक है ना, राधा रानी के ही पैरेंट हैं, होते हैं, तो वो कदाचित श्रीमद् भागवतम को महाराज परीक्षित के लिए पूरा ही नहीं कर पाते। इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने आप को श्रीमती राधा रानी के नाम से उच्चारण करने से रोका। लेकिन विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि चाहे सुखदेव गोस्वामी ने खूब प्रयास किया कि नहीं नहीं राधा रानी का नाम नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए, लेकिन उनके मुख रूपी चंद्रमा से वह स्वतः प्रकाशित हो उठता है। उन्होंने राधा रानी का नाम ले लिया, यह श्रीमती राधा रानी की कृपा है। अतः आराधित शब्द राधा के सौभाग्य को सूचित करने वाला दुंदुभ घोष है, अर्थात वेरी रिजाउंडेड दिस वर्ड आराधित। तो ये उनका आंतरिक कारण है सुखदेव गोस्वामी का। बाह्य कारण क्या है? कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीला जो है, ये साधारणतया आप कहिए हर आम व्यक्ति इसको गलत समझता है। आम से आम नहीं, बड़े से बड़ा महापुरुष व्यक्ति भी इसको गलत समझता है कि यह लीला में कुछ खोट है, क्या ऐसे तो नहीं करना चाहिए। कि देखिए कृष्ण, वैसे देखा जाए तो कृष्ण लंपट है ही, इधर डिवोची नंबर वन है ना, लेकिन स्टिल लोग बोलते हैं कि देखो कृष्ण कितने कामुक व्यक्ति हैं और कितना उनका खराब चरित्र है, करेक्टर है। और ब्रज की गोपी और विशेषकर श्रीमती राधा रानी को भी लोग, बहुत सारे लोग इस इनकी लीला को गलत समझते हैं। तो चूँ ताकि इसका मतलब क्या है कि इस लीला को समझने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, और वह साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। तो इसीलिए श्री राधा और श्री कृष्ण की जो दिव्य गुप्त लीलाएँ हैं, जो कि गौड़ीय वैष्णव के लिए टॉप मोस्ट मतलब फीचर है कह सकते हैं आस्वादन करने के लिए, वह हमारे मतलब इन जनरल वैदिक साहित्य के अंदर बहुत आम तौर पर नहीं लिखा गया है, उनका मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि लोगों को वो समझने की पात्रता नहीं है। राधा और कृष्ण कौन समझ सकता है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? श्रीमती राधा रानी कृष्ण को समझने के लिए क्या हमें प्राइमरी योग्यता होनी चाहिए? हाँ जी, समाज में पूरा चलने में वो सुनाई नहीं पड़ रहा है। महाप्रभु के फॉलोवर होने चाहिए, एक प्रभु जी कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे थे, वही वहां से रिपीट कर सकता है। शुद्ध सत्व गुण में होना चाहिए। और कोई अंतिम उत्तर? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, उसका प्रेमांजन होने चाहिए है ना, भगवान की आंखों में दिव्य चक्षु लगा होना चाहिए,
उसके ऊपर राधा की कृपा होनी चाहिए। अच्छा है, लेकिन राधा कृष्ण की लीलाओं को समझने की योग्यता क्या है? केवल एक ब्रजवासी समझ सकता है, जो कि ब्रज में, जिसके अंदर ब्रज का भाव है, वास्तविकता के अंदर, वही राधा कृष्ण की लीला को समझ सकता है। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पर किया भावे जहां ब्रजते प्रचार। अनार्पिता चरिन चिरात करुणया वतीर्णा कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रेया। कि जो उज्ज्वल रस है, परकीय भाव को समझना, इसको व्यक्ति आसानी से कोई भी नहीं समझ सकता, खासकर इस मंडेन बुद्धि से तो कोई भी नहीं समझ सकता, है ना। ये 500-600 किलोग्राम के दिमाग से तो कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता भगवान राधा और कृष्ण की लीलाओं को। अन्यथा इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो है लोग बहुत ज्यादा गलत समझते हैं। अब लोग प्रश्न पूछते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या उनका विवाह हुआ था, विवाह क्यों नहीं हुआ। अब ऑफकोर्स किसी किसी कल में जब भांडीर बन जाएंगे तो आपको वो सभी दिखाएंगे जहाँ राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था, तो वो तो एक बात है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया इसी प्रकार का प्रश्न लेकर के, बोला देखो कृष्ण और राधा रानी का विवाह तो हुआ नहीं, कृष्ण का 16,108 रानियों से द्वारका में विवाह किया उन्होंने, और राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु नामक गोप से। तो फिर भी राधा और कृष्ण ऐसे वृंदावन में मिलते थे, ये तो गलत है बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी को चाहे प्रभुपाद ने बहुत समझाने का प्रयास किया उन्हें कि देखिए कृष्ण सबके पति हैं, हर व्यक्ति हर कोई, हम सबका शरीर, हम सबकी प्रत्येक वस्तु वास्तविकता में भगवान की है, भगवान इसके प्रोप्राइटर हैं, और इसका हस्ताक्षर भगवान ने गीता में किया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम या अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अनेक प्रकार से भगवान ने गीता में इस बात को जो है मतलब टंके की चोट पे भगवान ने बोला, भाई मैं ही भोगता हूँ, ना भोगता ना उपभोगता हूँ। कई बार लिखे ना कंज्यूमर को उपभोगता लिखते हैं, लेकिन ना हम भोगता है ना उपभोगता है, हम कौन है? भोग्य। हमारा जो अस्तित्व है वह है भगवान श्री कृष्ण के आनंद के लिए वस्तुओं को सप्लाई करना, ना हम भोगता है ना उपभोगता है। कभी सोचे नहीं हम छोटे भोगता है, ऐसा नहीं है कदाचित। तो प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं, हर व्यक्ति कृष्ण की संपत्ति है, तो कृष्ण ने कुछ भी गलत नहीं किया वास्तविकता के अंदर, और ऐसे ऐसे कुछ उदाहरण दिए, लेकिन वह व्यक्ति अड़ा रहा। तो फिर फाइनली प्रभुपाद एज यूजुअल इज वंडरफुल स्टाइल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, तो प्रभुपाद जी क्या बोले, कह रहे कि भाई देखो गुस्सा होकर के बोले उसे, कह रहे कि तुम कह रहे हो कि कृष्ण ने अनैतिक कार्य किया है, कृष्ण दूसरे की पत्नी के साथ में नृत्य करते हैं, लीला करते हैं, वास्तविकता में कृष्ण अनैतिक नहीं है, कृष्ण लंपट नहीं है, तुम लंपट हो, तुम अनैतिक हो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे पत्नी के साथ जो संबंध है ना वह अनैतिक है। क्यों? वास्तविकता में तो सब जीव कृष्ण की पत्नी है, और कृष्ण की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बना लिया, तो चोर कौन हुआ? अब करके चुप करके फिर चला गया। तो ऐसे कुछ बदमाश लोग होते हैं, ठीट होते हैं, अर्थात वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, तो इतना ग्रॉस बोल करके उनको समझाना पड़ता है, राइट। तो और बात तो सत्य है, ऐसे देखा जाए तो बात कोई गलत नहीं है, कड़वी लग सकती है किसी को, लेकिन बात भी सत्य है, लेकिन ये उन ठीट लोगों के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो कहने का अर्थ है कि लोगों के दिमाग में शुद्धता नहीं है, वह भाव नहीं है जिसके राधा कृष्ण समझा जाता है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम वैदिक साहित्य में बहुत खुल के नहीं बताया जाता, बताया गया है। और जो है दूसरी बात जो प्रारंभ के अंदर ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्लियर कर देते हैं दो श्लोकों के अंदर, चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के कारणों के लिए जब वो अपना मंगलाचरण बोलते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृत रल्लादिनी शक्ति रस्मा एकात्मनाम विभुवा पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तत्तद्वयं चैक्याप्तं राधा भाव द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपं। तो वो कह रहे हैं कि देखिए राधा रानी कौन है वास्तविकता के अंदर, वह कृष्ण
की अनादिनी शक्ति है, कृष्ण से ही निकले हैं। तो वह दोनों पहले एक ही थे और केवल दो भेद, दो देह हैं, वो ऐसे दो अलग अलग जीव नहीं है। अभी हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दो देह और एक जीव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण और राधा रानी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन वो दो में विभाजित हुए हैं, राइट? क्यों? यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने को अनादि काल से पृथक कर रखा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें बाहर से किसी पटेल की जरूरत नहीं, सबको तो कृष्ण से के अंदर ही है ना। तो उनके अल्हादिनी कृष्ण की तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। ऐसे तो अनंत शक्तियां हैं, लेकिन इन तीन में उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो अंतरंगा शक्ति मतलब इंटरनल पोटेंसी, बहिरंगा शक्ति मतलब एक्सटर्नल पोटेंसी महामाया, और तटस्थ शक्ति मतलब जीवात्मा। तो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा, अंतरंगा शक्ति में जो भगवान की प्लेजर गिविंग पोटेंसी है, वह उसके पर्सोनिफिकेशन कौन है? श्रीमती राधा रानी, अलादिनी शक्ति, जो भगवान कृष्ण को आनंद देने में सदैव ड्यूटी रहती है। यानी भगवान श्री कृष्ण को कुछ भी आनंद मिलता है तो कौन प्रदान करता है? श्रीमती राधा रानी की अलादिनी शक्ति। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण को वो लीला करनी होती है तो उसके लिए सब जो सामान है पैराफर के लिए, वो कौन अरेंज करता है? बलराम जी। तो बलराम जी अरेंज करते हैं। जब भगवान को विश्राम करना होता है तो शैया बन जाते हैं। जितने भी हम देखिए इंद्रदान करताल और उपचार, भगवान के पूजन अर्चन इत्यादि करने जितने भी सामग्री, चामर मोरपंख इत्यादि इस्तेमाल करते हैं, भगवान का सिंहासन है, ये सब किसका विस्तार है? बलराम जी का, श्री नित्यानंद प्रभु का। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने में सारे व्यवस्था कौन करती है? भगवान की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी। आह्लाद मतलब होता है आनंद प्रदान करना, जैसे होते प्रहलाद आह्लाद दाई है, जो प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले हैं, ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करता। तो लादिनी मतलब जो आनंद प्रदान करने वाली है। तो अब वही राधा और कृष्ण का क्या हो गए हैं? दोनों पहले एक थे, एक से कितने बने? दो। अब वो दोनों कैसे हो गए हैं? दोनों फिर एक हो गए। किस रूप के अंदर? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जय श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और वो प्रकट हुए कलयुग के अंदर इन जीवों, हम सब पद जीवों को उद्धार करने के लिए। ऐसे कविदास गोस्वामी और डिटेल के अंदर राधा रानी के तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण राधा रानी के सेवा की भावना को और राधा रानी के को कृष्ण से प्राप्त होने वाले आनंद को, राधा रानी कृष्ण राधा रानी के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए, उस भाव को स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण किस रूप में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप के अंदर। तो ऐसा तत्व बताया जाता है। राधा कृष्ण कौन है? वो अभिन्न है बेसिकली। तो विभाग इसका कह जाता है दो भिन्न लोगों का, राइट? जब एक ही व्यक्ति है अब दो देह में है तो विवाह करे चाहे ना करे इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्ण विवाह कर लेते तो हमारे मन में डाउट नहीं आता, राइट? भाई अगर भगवान को लीला करने के ठीक था और ये भी जानते थे कि हम बद्धजीव खुराफाती हैं, कि उल्टे सीधे विचार हमारे मन में आएंगे, काम वासना हमारे रहता है, तो भगवान विवाह कर लेते, हम शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेते। नहीं, भगवान क्या करते हैं? कृष्णा वॉन्ट्स टोटल सरेंडर। तो हमारे भौतिक समाज के नीति नियम से हमें भगवान को नहीं समझने का प्रयास करना चाहिए, रादर भगवान के नीति नियम से हमें अपने आप को ढालने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जो शास्त्र हैं वह है कि क्या चीज भगवान को प्रसन्न करती है, क्या भगवान को आनंद देती है। और भगवान क्या है? कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। कृष्ण कैसे हैं? एक प्रेमी है। और कैसे प्रेमी है? बहुत ही राजसी प्रेमी, एरिस्टोक्रेटिक, बोले ऐसा साधारण प्रेम नहीं होता उनका, छोटा मोटा प्रेम ऐसा नहीं। और ट्रांसेंडेंटल मतलब बहुत ही जगत का प्रेम नहीं है ना, कि जो आज है कल खत्म हो गया, क्या है वो लव एट फर्स्ट साइट डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, तो उस प्रकार का प्रेम नहीं है राधा कृष्ण भगवान का। और कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटल एरिस्टोक्रेटिक जेलस लवर। जेलस मतलब क्या है? वो नहीं स्वीकार कर सकते कि आप किसी अन्य से प्रेम करें। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि केवल और केवल मुझसे प्रेम करो, एकमात्र मुझसे और किसी से नहीं।
अच्छा, तो इसीलिए भगवान गोपियों के माध्यम से हमको एक्सक्लूसिव सरेंडर कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपियां वह हैं जिन्होंने किसी भी वस्तु का त्याग कर, प्रत्येक वस्तु का त्याग कर दिया, उनको कुछ भी त्याग करने में रत्ती मात्र भी संकोच नहीं हुआ। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है बलि महाराज का भी, जिन्होंने वामनदेव को क्या किया, संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। उसी प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण के हाथ में खिलौने के मात्र है, कठपुतली के समान है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी के हृदय की जो प्रार्थना है वह क्या है, आशीर्षवा पात्रता विनष्ट माम अदर्शना मर्म हताम करो तो वह यथा तथा व विदधा तु नो मतपाण नातस्तु सयेव ना पर कि हे भगवान श्री हे आशीर्षवा पात्रता विनष्ट माम कि चाहे आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन देकर मुझे मरवा हत करें, वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, मैं तो सब कुछ करने में पूर्णतया स्वतंत्र है, किंतु श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर है। कि कृष्णा इज माय अनकंडीशनल लॉर्ड एंड मास्टर, अर्थात कृष्ण हमें दर्शन दें चाहे ना दें, कृष्ण हमें कितने पीड़ा में क्यों ना रखें, चाहे वह सुख दें चाहे वह हमें दुख दें पीड़ा दें प्रकट ना हो करके, चाहे प्रकट होकर आनंद दें, लेकिन फिर भी क्या है, हम हमेशा कृष्ण की क्या रहेंगी, दासियां रहेंगी, सेविका रहेंगी। यानी वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए कृष्ण जो है गोपियों के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, एक बात मैं आपको जो बोलना भूल गया, वह था कि श्रीमती राधा रानी के विषय में फिर शास्त्रों में लिखा नहीं, मंदिरों में भी उनके विग्रह नहीं है, तो राधा और कृष्ण की विग्रहों की स्थापना शुरू कहाँ से हुई, फाइनली पुरातन किसी मंदिर में तो है ही नहीं, राइट, कहाँ से शुरू हुई है उपासना, ये उपासना शुरू हुई किससे, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से, और फिर राधा और कृष्ण की उपासना वास्तविकता में चैतन्य महाप्रभु ने आगे एस्टैब्लिश की। ये चैतन्य महाप्रभु का कह सकते हैं एक्सक्लूसिव विशेष योगदान है, किसी अन्य वैष्णव आचार्य ने किसी अन्य अवतार ने ब्रज के इस भाव को प्रकाशित नहीं किया जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। इसलिए नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते, नहीं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों मैनिफेसेंट है, सबसे मैग्नानिमस है, महावदान्याय क्यों है, क्योंकि वह केवल कृष्ण को प्रदान करने वाले नहीं है, वह कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, जिस कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य के रूप में आते हैं। मतलब कृष्ण हु इज हंगरिंग आफ्टर कृष्ण प्रेम, यू नो दैट इज लॉर्ड चैतन्य अवस्थम टू गिव ऑल ऑफ अस, हमको वह कृष्ण प्रेम देने के लिए आए, भगवत प्रेम देने के लिए भी नहीं आए हैं, कृष्ण का प्रेम देने के लिए आए हैं, वो भी किन के मार्ग से, गोपियों के मार्ग से। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज ब्रज मधु वर्गेन वा कल्पिता। कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत पुराण प्रेम उमंतो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र, तो कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, जो नंद महाराज के पुत्र हैं वह हमारे आराध्य देव हैं। तद्धाम वृंदावनम, उनका घर क्या है, घर का एड्रेस क्या है, वृंदावन। रम्या काचित उपासना, उनको कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, केवल यदि कोई ब्रज मधु ब्रजांगना गोपियों के मार्ग को अनुगमन करेगा वही व्यक्ति केवल कृष्ण की उपासना कर सकता है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की उपासना पहले क्यों नहीं होती थी, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती थी, इन द सेंस भौतिक जगत के अंदर ये प्रकाशित नहीं की गई थी, यह प्रकाशित की गई सिर्फ और सिर्फ श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। इसीलिए लेटेस्ट भी आपको कोई मंदिर मिल जाएगा राधा कृष्ण का, तो सिर्फ 500 साल पुराना होगा मैक्सिमम, उससे पहले राधा कृष्ण के कोई पुराने आपको विग्रह नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि वो पूजा इस धराधाम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसीलिए वासुदेव घोष ठाकुर एक श्लोक एक भजन के अंदर लिख रहे हैं, यदि गौरा न होई तो तबे की होई तो के मने धरी ताम दे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत खे, मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार,
पराजायुवती भावेरा भागती सकती हो तो वासुदेव को ठाकुर आगे भी दौर में आने से लिख रहे हैं, यदि गौर न हो तो तबे की हो तो के मोने धरी तांबे, कि इस धरती पे क्या होता, हम कैसे जीवित रह सकते। महाप्रभु ने राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तके, कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम की प्रेम रस की महिमा उसकी सीमा को हर जगत के लोग कैसे जानते हैं। मधुर वृंदा विभिन्न माधुरी प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किसमें होती, जो ब्रज की बालाओं के पद चिन्ह का अनुसरण करती। ब्रज युवती भावेर भक्ति शकति हई तो कार, वास्तव में तो वृंदा देवी के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्य पूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण को गाली दे सके प्रेम से, जो कृष्ण की सराहना कर सके, जो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सके, कुछ भी त्याग कर सके और कुछ भी स्वीकार कर सके, वह है गोपियां। ऐसे नहीं कि वह त्यागना ही कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो स्वीकार करना वो स्वीकार करती हैं, जो जो त्यागना उसे त्याग देती हैं, उनके लिए कोई कंसीडरेशन ही नहीं है। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी और कृष्ण विवाह क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पैरामर लव है उसे क्या बोलेंगे, परकीय भाव। अर्थात विवाह के बाहर जो संबंध है, छुप छुप के मिलने के अंदर उसमें जो आनंद है, वह शायद पति पत्नी के आनंद में भी ना हो। राइट, तो भगवान श्री कृष्ण अब ये अभिमन्यु कौन है, तो ऐसे किसी किसी शास्त्र में तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अभिमन्यु कृष्ण के ही अंश हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो राधा रानी का स्पर्श कर सके केवल कृष्ण के अलावा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। और अन्य आचार्य बताते हैं कि अभिमन्यु जो है केवल उनके पति का नाम था, मतलब भौम लीला के अंदर, ये वो अभिमन्यु नहीं है सुभद्रा नंदन। कभी बोले कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, कई कई लोग डाउट में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन, तो वो अभिमन्यु नहीं, ये अभिमन्यु गोप हैं जो ब्रज के मेरे गाँव से सत्यापत ऐसा इधर तो भी उनका घर है। तो वो गोप से राधा रानी का विवाह होता है। ऐसे तो नंदा महाराज यशोदा रानी सब चाहते थे कि कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ ही हो। आप सब बरसाने के बाद जाते रहे पीली पुकुर आती है, तो एक बार किसी ने बताया कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि का वरदान प्राप्त था कि वो जो भी बनाएगी क्या होगा, वो अमृत के समान होगा और जो भी उस व्यंजन को खाएगा कभी उसको रोग नहीं होगा। तो यशोदा माता ने राधा रानी को बुलाया, जब ये सुना कि ऐसा वरदान है, बोला कि कन्हैया के लिए तुम बनाओ। तो राधा रानी ने बहुत सुंदर सा पकवान बनाए। राधा रानी की विशेष बात जानते हैं क्या है, शी नेवर कुक्स द सेम आइटम अगेन। रोज कृष्ण के अलग अलग आइटम बनाते हैं, तो कभी कृष्ण के एक आइटम रिपीट ही नहीं करते और हर आइटम अलग से अलग होता है। तो कृष्ण के लिए बड़े सुंदर उन्होंने ऐसा बनाया और जो है तो राधा रानी और कृष्ण ने बड़े चाव से खाए, लेकिन उनको बनाया तो राधा रानी बनाया, उनको लगा यशोदा माई ने बनाया है। तो यशोदा ने जब खिलाया उनको अच्छे से, तो फिर जब कृष्ण जंगल में चले गए तो यशोदा माता को राधा रानी को बहुत, यशोदा माई को बहुत प्रेम आता है, तो वो मनी मन विचार कर लेती है कि राधा रानी मेरी बहू बननी चाहिए, कृष्ण तो विवाह ही नहीं कामना चाहिए। तो क्या करती है वो कि ऐसे जब उतना हाथ मिले कर देना, तो वो ऐसे उनके हाथों पे हल्दी लगा देती है सर। तो ये प्रथा होती थी कि यदि आपने किसी को अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर लिया है तो राधा रानी की बड़ी प्रसन्नता होती है और वो चली जाती है आगे। अब जब घर जा रही होती है तो रास्ते में सोचती है कि अरे चलो ये तो यशोदा माई की इच्छा से हुआ है, लेकिन कीर्तिदा और कृष्णभानु का क्या, मेरे माता पिता को तो पता नहीं, तो ऐसे कैसे जाऊंगी और पहचान जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक सरोवर था तो वहाँ पे अपना हाथ को धोया, ऐसा जैसे ही उस कुंड में डाला तो वो कुंड क्या बन गया, वो कुंड पूरा पीले रंग का हो गया। इसलिए आज भी उसको बोलते हैं पीली कुकुर, जो ब्रजवासी पीली कुकुर बोलते हैं। बरसाना में घुसते ही राइट साइड में थोड़ा जाएंगे, अभी तो अच्छा उसको पहले अच्छा साफ सुथरा नहीं था, अभी तो ब्रज फाउंडेशन ने बहुत उसका स्टैब्लिश किया है ना, तो ऐसे वो पूरा का पूरा उसको पीली कुकुर, अभी शायद प्रेम सरोवर के रूप से ऐसे कुछ, तो प्रेम सरोवर तो नहीं, प्रेम सरोवर लगा है किसी अन्य नाम से उसका जो नाम है जानते हैं। और फिर कृष्ण वहां पे आते हैं, अब वो तो कुकुर राधा रानी के प्रेम से पूरा पीला हो गया, उनका मिलने लगी थी। तो कृष्ण में विवाह स्नान करते हैं तो क्या होता है, उनका श्याम सुंदर वर्ण क्या हो जाता है, वो पीला रंग धारण कर देते हैं और कांति को, और श्याम सुंदर कौन बन जाते हैं, श्री गौर सुंदर, ऐसा है। तो ये लीला वहाँ पे एक होती है। तो राधा रानी और अभिमन्यु की बात कर लेते हैं, तो यह अभिमन्यु जो है कृष्ण के ऐसे अवतार है, लेकिन इस लीला के अंदर विशेष
आनंद को वर्धन करने वाले के लिए जो है ये अभिमन्यु है। और साथ में कौन है, अभिमन्यु की माता का नाम क्या है, जटिला, और उनकी बहन का नाम क्या है, कुटिला, राइट। तो अभिमन्यु बहुत सरल स्वभाव के, लेकिन जटिला और कुटिला को बड़ा गुस्सा आता था कि ये राधा रानी जो है हमारे बहुत छुप छुप के कृष्ण से मिलती है, उस काले श्याम कृष्ण से जो है, तो ये क्या है, चरित्रहीन है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन उनको एविडेंस नहीं मिलता था कभी भी कि सिद्ध कर सके, प्रूफ तो चाहिए ना, इससे भी आप अगर आरोप लगाने वाले हैं तो बिफोर यू किसी को मुजरिम साबित करने से पहले आपको सबूत देने पड़ेंगे सारे। तो हमेशा विशेषकर जो कुटिला उनकी ननद थी, वो हमेशा इसी फिराक पर रहती थी कि भाई कब जो है राधा रानी के प्रति कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढा जाए। तो एक बार क्या हो गया कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए आए, अभिमन्यु चले गए घर से, तो कृष्ण अभिमन्यु का वेश धारण करके जल्दी वापस आ गए। तो जटिला ने पूछा, अरे भाई तुम बड़े जल्दी आ गए। तो बोले हाँ मुझे कुछ कार्य था। बड़ा प्रेम से भगवान ने बोला कि मैं नहीं, बोले कि मैं आपसे मिलने के लिए आ गया, मैं सोचा आपसे मेरे को मन कर रहा था, गया वापस, आपकी याद आ रही थी तो वापस आ गया। जटिला को बड़ा अच्छा लगा, अरे भाई बड़ा अच्छा पुत्र है ना। तो बोला ठीक है आप अंदर जाके बैठो। अब अभिमन्यु के रूप में आए थे तो कृष्ण जाते हैं राधा रानी के कक्ष में और उनके साथ में रहते हैं। कुटिला को शक हो जाता है तो वो आती हैं, और वहाँ पे कृष्ण अपने रूप के अंदर राधा और कृष्ण दोनों होते हैं। तो वो क्या करती हैं, दरवाजे को बाहर से ऐसा कुंडी मार देती हैं कि कृष्ण भाग ना पाए, लेकिन कृष्ण को आवाज़ सुनते जैसे तो खिड़की से भाग जाते हैं कृष्ण। तो लेकिन कुटिला कहते हैं कि देखो अभी जो है मैंने एक बात मिस कर दिया, क्या होता थोड़ी देर में फिर अभिमन्यु वापस आ जाते हैं। तो अभी जटिला बोलती, अरे तुम अभी तो आए, दोबारा कैसे आ गए। तो ऐसे वो बोलते कि नहीं मैं तो गया था, अभी वापस नहीं आया। तो अब उनको डाउट आ गया कि ये असली अभिमन्यु है जो पहले आया था, वो असली अभिमन्यु है ना। तो ऐसे करके जो है बाद में समझ में आया कि ये असली अभिमन्यु है और वो कृष्ण है, लेकिन अब एविडेंस तो कोई है नहीं, कृष्ण तो भाग गए थे। दूसरी बार एक बार ऐसा होता है कृष्ण मौका देख के फिर आते हैं, तो कुटिला को समझ आता है कि कृष्ण ये जो है राधा रानी के साथ, कृष्ण के साथ अकेली हैं। तो वो सबको एक बार क्या होता है, सबको बुला के ले आते, देखो मैं कहती थी राधा रानी का चरित्र ठीक नहीं है, तो देखा वहाँ पे क्या था, उसने क्या खिड़की से काले व्यक्ति को देखा था, तो समझ गए काले तो कृष्ण है, लेकिन देखा कृष्ण क्या बन गए, जो दुर्गा देवी के काली माता का रूप रहता है उसमें बन गए और राधा रानी की पूजा करेंगे। आपको बड़ा मानित महसूस हुआ कि देखो सबने तारीफ की राधा रानी की, देखो वो तो देवी की उपासना कर रहे हैं। ऐसी एक बारी और होते कुटिला ने बंद कर दिया, कृष्ण ने भाग गए खिड़की से। तो फिर कुटिला ने जब थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला, अंदर आई, तो उसने देखा भी कृष्ण तो है नहीं, तो पूरे रूम की तलाशी वगैरह ली, तो उन्हें क्या मिला, बिस्तर पे एक बांसुरी मिली। तो समझ गई बांसुरी राधा रानी तो बजाती नहीं, अभिमन्यु बजाता नहीं, मैं और कुछ जटिला बजाते नहीं, तो ये तो पक्का कृष्ण का ट्रेडमार्क है, राइट। तो बोली देखो सबको बुला के लेके आती है, बुलाने के लिए राधा रानी का हाथ पकड़े घसीट रही हो, लेके जा रही होती है बाहर कि देखो आज मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, तुम वास्तविक काम चरित्रहीन हो हमारे कुल पे कलम को, ऐसे बोलते बोलते और बांसुरी साथ में लेके जा रही थी सबको बताने के लिए, राधा रानी तो रो रही थी। तो रास्ते में कौन मिलती है, पौर्णमासी मिलती है। पौर्णमासी वृद्ध स्त्री है जो कि ब्रज के अंदर रिस्पेक्टेड है, वो योग माया है, जय पौर्णमासी जय आभी रनागरी। तो कृष्ण के सब लीलाओं के अंदर बहुत ही स्पेशल फ्लेवर ऐड करती है पौर्णमासी। तो पौर्णमासी बोली जटिला कुटिला क्या हुआ, तुम ऐसे राधा रानी को राधा को क्यों लेके जा रही हो, ये रो रही है इतने। तो बोली देखो इसके कक्ष से ये बांसुरी प्राप्त हुई है, ये अकेले में कृष्ण से मिलती है। बोली क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम कल रात में पूरे ब्रज के अंदर बारिश हुई थी। किस चीज की बारिश हुई थी, पंछियों की बारिश हुई थी, भगवान की जो बांसुरी है इसकी बारिश हुई थी, तुम अपने कक्ष में जाके देखो। तो अपने कक्ष में गई, तीन बांसुरी मिली। जटिला के कक्ष में गई, वहां छह बांसुरियां मिली। तो यार ये तो सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, है ना। तो ऐसे करके जो है बहुत सारे ऐसे लीलाएं होती है जिसमें वो कभी सिद्ध नहीं कर पाते कि राधा रानी का चरित्र थोड़ा भी उसके अंदर खोट है। एक बार अब लेकिन राधा रानी को बड़ा बार बार बहुत विरह है, सर किसी स्त्री को बार बार ऐसे बोला जाए घर के अंदर, अभी संदेह किसी देखा जाए तो बड़ा, राधा रानी कृष्ण को भूल नहीं सकते थे। तो कृष्ण देखा कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, क्या करते हैं। एक दिन कृष्ण सुबह बीमार पड़ गए, बड़ा सिर में दर्द होने लगा उन्हें। तो नंद महाराज बड़े चिंतित हो गए, भाई इतना बुखार हो गया, सिर में दर्द हो रहा है, क्या किया जाए।
तो हम बोले किसी वैद्य को बुलाते हैं, तो बाहर गए, थोड़ी दूर में उन्हें एक वैद्य आता हुआ मिल गया। तो उसको बोले कि चलो भाई मेरा बेटा बीमार है। तो गए तो उन्होंने नाली वाली चेक की, कृष्ण की, बोले ये तो बड़ा विशेष रोग है, तो ऐसा उपाय क्या है? भले उपाय केवल मैं ही कर सकता हूँ, तो करिए, जल्दी कीजिए, शीघ्र कीजिए। पर इसका उपाय तब है कि जब पूरे ब्रज के अंदर सबसे पतिव्रता स्त्री होगी, द मोस्ट चेस्ट वुमेन, उसको यमुना जी से पानी लेके आना होगा, और पानी लेकर के आएगी और उस पानी से कृष्ण को स्नान कराएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो रोग समाप्त हो जाएगा। तो यमुना से पानी, यमुना के पास में बहती है, इतना पानी ले आएंगे, क्या दिक्कत है? और इतनी स्त्रियाँ पतिव्रता हैं कि यशोदा माई बोली कि मैं ले आती हूँ, तो बोले नहीं माँ नहीं ला सकती। चलो ठीक है, तो बहुत से तो ले आते, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि जब पात्र है ना उसमें 100 छेद किए रहेंगे नीचे, जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं ना, उसको सहस्त्र धारा बोला जाता है, मतलब उसमें 100 ऐसा छेद रहेगा, सहस्त्र मतलब ऐसे हजार, बेसिकली तो सहस्त्र मतलब हजार, विश्व सहस्त्र हजार, तो ऐसा उसमें 100 छेद रहेगा, उससे पानी लेकर के, 100 छेद रहेगा कैसे टिकेगा पानी उसके अंदर? तो बोले नहीं यही शर्त है। तो मतलब ऐसे तो कोई कर नहीं पाएगा, ये तो कोई नहीं कर सकता। बोले कि नहीं पतिव्रता स्त्री कर सकती है। नंद महाराज बोले नहीं ऐसा, बोले तो आप ही बताइए कौन स्त्री है ब्रज में जो कर सकती है? बोले मैं 2 स्त्रियों को जानता हूँ ब्रज के अंदर, नाम बताओ जल्दी। बोले जटिला है कुटिला। तो नंद महाराज गए उनको बुलाने के लिए, और दोनों को बड़ा लग रहा था, वाह देखो बहुत अच्छा, देखो आज किसी ने हमारी कदर करी ब्रज में, हम कितने विशेष हैं। तो सबसे पहले कुटिला बोली जटिला को, देखो आप बूढ़ी हो, मैं कर लेती हूँ, ठीक है, आपको तकलीफ होगी मैं ले जाती हूँ। तो गई, पानी भरा, क्या हुआ सारा पानी नीचे, और चटिला देने लगी गाली, देखो तुम पतिव्रता नहीं हो, खानदान का नाम खराब कर दिया ये वो, ठीक है अब बची तो एक मां, दूसरी बार चटिला, चटिला को वो गई तो वो पानी गिर गया, वो भी शर्म से आग नीचे करके वापिस आ गए। तो फिर अब तो बड़ी दुविधा हो गई, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण का बुखार है चटी को। बोले वैद्य को बोला महाराज आप कुछ करिए। तो बोला मैं एक और स्त्री को जानता हूँ जो निश्चित कर सकती है। बोले कौन? वो इनकी बहू राधारानी। अब जटिला कुटिला पे शौक लगे, जो हम नहीं कर पाए, हम तो बिल्कुल हमारे चरित्र में खोट नहीं है, इसकी तो खोट ही खोट है, राइट। तो राधारानी बोले नहीं नहीं वैसे नहीं, ऐसे बिल्कुल वो उनको लेकर के गए, और ये सुनो मैंने बोला कि नहीं आप करो, तो भरा एक भी बूंद पानी नहीं गिरा, कृष्ण का अभिषेक किया, कृष्ण ठीक हो गए। ऐसे कृष्ण सिद्ध किया कि राधारानी क्या है। तो ऐसे अभिमन्यु जटिला कुटिला क्या करते हैं, केवल कृष्ण के इन लीलाओं में आनंद का वर्तन करते हैं, जैसे राइट, इनमें फ्लेवर ऐड करने के लिए कैरेक्टर्स लिखे हैं, इनको भौम धरातल पे देखना एक बहुत बड़ी नहीं आपके लिए भयंकर गलती होगी, एक बहुत बड़ा अपराध होगा, है ना। और अधिकांश लोग इस अपराध को करते बैठते हैं, इसलिए जो है ये राधाष्टमी का जो पर्व है थोड़ा सा कभी कभी क्या कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर जाता है बहुत बारी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सहजिया भाव भी देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार तुमने एक्सपेक्ट भी किया होगा मुरली कृष्णा बोलेगा तो मुझे सही खड़क बोलने आता है, लेकिन विशेषकर हम किस राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, हमें प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, क्या हम राधा और कृष्ण की ब्रज भाव के अंदर सेवा करते हैं? नहीं, हाँ और नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रश्न पूछा कि देखिए कृष्ण तो एक ग्वाले हैं, राधा रानी एक गोपी हैं, तो हम ऐसे राजा की तरह उन्हें क्यों श्रृंगार करते हैं, राइट। इतना कीमती पोशाक और आभूषण इत्यादि, ये सब की जरूरत नहीं है, क्यों ना सरल वस्त्रों में उनको किया जाए? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कृष्णा एंड राधा रानी आर कावर्ड बॉयज एंड कावर्ड गर्ल गोपीज, बट वी वर्शिप देम इन द मूड ऑफ किंग एंड क्वीन, हम उन्हें राजा और रानी के भाव में लक्ष्मी नारायण के रूप में उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण की जो उपासना है वो बहुत ही गोपनीय है, बहुत ही गुह्य है, उनकी उपासना पांचरात्रि की विधि के द्वारा होती ही नहीं है, ऐसा है, उनकी उपासना केवल और केवल राग मार्ग के भक्त ही कर सकते हैं, केवल ये जो वैधि साधना भक्ति के भक्त हैं वह राधा कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते। श्री प्रभुपाद इसको चतुर्थ स्कंद के
पृथु महाराज ये भगवान शिव जी के गीत के अंदर इस बात को बताते हैं। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक के 45 और 46वें तात्पर्य के अंदर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं 424, 45 और 46 प्रभुपाद कह रहे हैं कि सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रिक विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पांचरात्र विधि से किए पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि से नहीं कर सकता है। वास्तव में नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट पांचरात्रिक विधि से ही करते हैं। नवदीक्षित भक्त, ध्यान से सुनेगा, नवदीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फिर हम क्या कर रहे हैं? अतः मंदिरों में विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले ही मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नवदीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार्य होती है। पांच रात्रि की विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग के सिद्धांत उन भक्तों के लिए है जो वृंदावन पद को प्राप्त है। तो अर्थात आगे प्रभुपाद जी और भी इसको तात्पर्य के अंदर बताते हैं। मुख्यतः क्या है कि जो हम पांचरात्र विधि से भगवान का उपचार करते हैं, जो मंत्र यूज करते हैं, जितने उपचार भगवान को आसन बाध्य अर्घ्य आचमन ये सब ऑफर करते हैं, इवन जो हम मंत्र रीति वर्षिप के अंदर यूज करते हैं, पुरुष उप इत्यादि, ये सब भगवान लक्ष्मी नारायण के मंत्र हैं। इसी राधा कृष्ण के मंत्र नहीं है वास्तविकता के अंदर। तो ये प्रभुपाद जी का रिपीटेड हमको इंस्ट्रक्शन, अपने खासकर डिसाइपल्स को यह इंस्ट्रक्शन था कि राधा और कृष्ण की उपासना किस भाव से की जाए? लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि राधा और कृष्ण के अंदर अन्य सारे रूप हैं भगवान के, तो लक्ष्मी नारायण भी हैं। तो हम जो भक्त हैं जो कि राग मार्ग के स्तर पर नहीं हैं, वृंदावन रज भाव नहीं हैं, हमें पूर्ण ऐश्वर्य के साथ में भगवान श्री श्री राधा रानी और कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, जैसा कि एक राजा की और एक रानी की उपासना की जाती है। इसलिए बहुत सारे भगवान के इस सेवा के लिए लक्ष्मी नारायण के रूप में नीति नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए। और इस तत्व के बारे में बहुत से चर्चा कर सकते हैं। हमारे मंदिर में हम भी कई पुजारियों पर चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से उसी तरह से जिस पर प्रभुपाद चाहते थे वैसे ही की जाए भगवान की सेवा। तो फिर अब ये प्रश्न आता है, अब राधाष्टमी है तो विशेष क्या रहता है, कौन सा प्रश्न रहता है सबके जवान पे? चरण दर्शन होगा कि नहीं होगा? राधा ने कहा तो प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं, ये विरोधाभास है, पता नहीं मैं सही जगह पे बैठ के इस बात को कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रमाण है डीटी मिनिस्ट्री का पोजिशन पेपर जिसमें प्रभुपाद क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, राधा रानी चरण आर नेवर टू बी शोन। राधा रानी के चरण इतने दिव्य हैं कि स्वयं कृष्ण उनका दर्शन देखने के लालायित रहते हैं। हम जैसे लोगों के क्या अनर्थों से भरे हुए लोगों के क्या कहने कि हम भगवान श्रीमती श्रीमती राधा रानी के शुद्ध चरणों के दर्शन कर सकें, राइट? कि जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी श्री नारद मुनि इत्यादि वह राधा कुंड में स्नान करने के लालायित रहते, लेकिन प्रवेश नहीं होता उन्हें, क्योंकि राधा कुंड में कौन प्रवेश कर सकता है? केवल गोपियां भी नहीं कर सकती वहां पर, कौन कर सकता है? केवल और केवल मंझारियां प्रवेश कर सकती हैं, लाइक दैट। तो इसीलिए भगवान श्रीमती राधा रानी के जो चरण है वो बहुत दिव्य हैं। तो अब ये बात आती है कि पहले क्यों दिखाए जाते थे? प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद ने इसे कभी रिकमेंड नहीं किया, जो है कभी भी रिकमेंड नहीं किया, ना ही होता था कभी भी ये पता। 1980 के दशक के अंदर कहीं ना कहीं पता चालू हुई, क्योंकि वृंदावन के अंदर देखिए जहाँ ब्रज भाव है वहाँ एक्सेप्शन थोड़ा आ जाता है, राइट? तो वृंदावन में हालांकि प्रभुपाद आनंद दामोदर मंदिर में रहे और भक्तों का कहना है कि निश्चित रूप से वहाँ पे प्रथा रही होगी, ट्रेडिशन रहा होगा जहाँ श्रीमती राधा चरण दर्शन कराए जाते थे, लेकिन प्रभुपाद ने इसकी स्वीकृति कभी नहीं की, राइट? और प्रभुपाद ने पत्र में क्लियर लिखा, यू आस्क मी सेवरल क्वेश्चन अबाउट द डीटी वर्शिप इन लॉस एंजेलिस, so I shall answer them one after another. Your first question, shall Srimati Radharani's feet be showing? The answer is no. They should never be seen. Krishna's feet, however, should be showing. Krishna ke charan kamal ka darshan karaiye, lekin Radharani ke charan darshan kabhi bhi nahi, right? To jo hai, na Radhashtami pe, na Gopashtami pe.
इनफैक्ट मैंने पिछले 3 साल से बहुत सर्वे करने का प्रयास किया कि प्रथा चालू कहाँ से हुई, कहीं ना कहीं तो स्रोत होगा। आश्चर्य की बात है, अपर संप्रदाय हो संप्रदाय हो, कहीं पर स्रोत भी नहीं मिला, राइट। और एक भक्त ने तो हमने भेजा कि तुम सारे वृंदावन के गोस्वामी मंदिरों में जाकर दर्शन करके आना। बोला प्रभु मैं राधाष्टमी के दिन शाम के समय सब मंदिरों में दर्शन करके आया, एक भी मंदिर में राधारानी का चरण दर्शन नहीं कराया, राइट। तो समहाउ ये कहाँ से पता चालू हुई, ये इसका ओरिजिन मैंने कई भक्तों से पूछा लेकिन अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आपको यदि इसको प्राप्त हो तो जरूर मेरे एडिशन कर दीजिएगा हिस्ट्री के ज्ञान के अंदर। तो कहने का अर्थ है ये प्रथा अवश्य चालू हुई, कहीं ना कहीं से इसका रूट सहज या मार्ग के अंदर है, जो कि राधा रानी और कृष्ण के तत्व को थोड़ा जो है कह सकते हैं सस्ता ले लेते हैं कुल मिलाकर। हम ये तो नहीं कहेंगे सहज या एकदम से, लेकिन उस प्रकार के जो मूल्य हैं उसकी जो वास्तविक गरिमा है वह थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है, और इनफैक्ट हमारा मंदिर तो बहुत विशेष है, हम चरण दर्शन भी करते थे और उसका कैलेंडर प्रिंट करते थे, राइट। वी आर सो स्पेशल लाइक दैट, यू नो। सो देयरफॉर इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। सो आई आस्क्ड रूपिनी कृष्ण प्रभु यस्टरडे, उन्हीं को वास्तविकता में क्लास देना था लेकिन वह यमुनानगर के अंदर है, देयरफॉर मैं व्यास आसन को यूज करके बात कह रहा हूँ कि राधा रानी के चरण चाहे चित्र के अंदर हो चाहे मूर्ति के रूप में हो, पब्लिक व्यू के अंदर नहीं होने चाहिए वास्तविकता के अंदर। तो क्योंकि राधा राधिकरण मंदिर से हमने पास्ट में ये कार्य किया है तो उसको रिपेयर करना भी जरूरी है और सही सिद्धांत स्थापित करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमने ना मंगल आरती में और ना दर्शन के अंदर पिछले साल से राधा चरण दर्शन नहीं कराए। और ये जीबीसीबी के मिनिस्ट्री का भी आदेश है, लोग बोलते हैं ये मंदिर में दिखाए वो मंदिर में दिखाए, लेकिन डीडी मिलर स्टैटिस्टिक्स है, प्रत्येक वर्ष मंदिर जो चरण दर्शन कर रहे हैं कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट राधाष्टमी पे तो कोई लीला भी नहीं है राधा रानी के चरण दर्शन की, गोपाष्टमी पे तो चरण दर्शन किया जाता समझ में आता है। तो कृष्ण जिन गोपाल बने थे गायों को चराने गए थे, तो राधा रानी और सब सखियां ब्रज के अंदर भाग करके उनका दर्शन ऐसे करने के लिए गई थे बाहर। तो दर्शन करने जब भागना होता है तो स्त्रियों को थोड़ा क्या क्या बोलते हैं तो भागना रहता है, लोअर गारमेंट थोड़ा उठा करके भागते, तो राधा रानी के चरण दर्शन वहाँ पे किसी को होते हैं। तो वहाँ पे एक लीला तो हुई थी लेकिन राधाष्टमी पे तो कोई लीला का भी प्रसंग नहीं। अब जो भक्त इसके सपोर्ट में कहते हैं कि राधा रानी के चरण दर्शन करने चाहिए, एकमात्र एक एविडेंस है जहाँ पे इस्कॉन के अंदर श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन किए गए, वह है राधा दामोदर बस पार्टी, जो कि तमाल कृष्ण महाराज और विष्णुजन स्वामी ये दोनों को लीड किया करते थे। और विष्णुजन स्वामी राधा दामोदर की पूजा किया करते थे, बहुत ही सुंदर विग्रह थे और उनको इतना जानकर था, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, बहुत सुंदर उनको भोग लगाया करते थे बस के अंदर ही। सब ब्रह्मचारी लोग बस में रहते थे और कोई आश्रम नहीं था उनके लिए, और वो बस चलता फिरता मंदिर था। राधा दामोदर के विग्रह के एक्सप्रेस का नाम था राधा दामोदर बस पार्टी, और रात को कहीं रुकते थे, सुबह उनका मंगल आरती होता था, सब लोग जपा करते थे, पुराने ड्रेसिंग करता था, भगवान को भोग लगाता था, श्रृंगार करता था, गले गलती भोग बनाता था, फिर सब प्रसाद पाते थे और फिर संकीर्तन के अंदर। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी जब वो संकीर्तन महल में राधा दामोदर के दर्शन करने आए तो विष्णुजन स्वामी ने जो है उनके ऐसा राधा रानी का जो घाघरा था या स्कर्ट था वो थोड़ा चरण दर्शन कराए बैठे। तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा, प्रभुपाद ने बहुत राधा दामोदर के सौंदर्य की, उनके श्रृंगार की बहुत सुंदर तारीफ की, कितने सुंदर दिख रहा है। तो विष्णुजन स्वामी ने पूछा कि प्रभुपाद वी शुड नॉट बी शोइंग राधा रानी स्पीड, है ना, यस। तो प्रभुपाद से डोंट यू लाइक टू सी राधा रानी स्पीड, प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपको राधा रानी के चरण कमल देखना अच्छा नहीं लगता है। तो विष्णुजन स्वामी प्रभुपाद ने बड़े प्रेम से और आत्मीयता के साथ जब इस बात को बोला तो उनको थोड़ा समझा नहीं, तो प्रभुपाद ने कहा राधा दामोदर बस राधा दामोदर दिस विग्रह राधा रानी स्पीड कैन बी शोन, व्हाई, बिकॉज द एज ऑफ राधा दामोदर इज 5 or 6 years, दे आर टेंडर चाइल्ड, दे आर नॉट ग्रोन अप यूथ, वो किशोर नहीं है, तो उनके चरण दर्शन आप दिखा सकते हो। पूरे इस्कॉन के अंदर एकमात्र वह एक एविडेंस है जहाँ राधा रानी के चरण दर्शन दिखाए गए लेकिन ज़्यादा पब्लिक में नहीं। और आज वो विग्रह मंदिर जिस मंदिर में स्थापित है गीता नागरी के अंदर जो हमारा फार्म है, तो उसके बाद से जब वो दामोदर बस पार्टी से क्या बोलते हैं तो विग्रह हटाए गए तो उसके बाद से राधा रानी के चरण दर्शन वहाँ भी कभी नहीं दिखाए गए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से जो है हम लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करते हैं,
लेकिन अब हम क्या हम हरे नवासी क्या हम राधा कृष्ण की पूजा करने के कभी काबिल बनेंगे नहीं बनेंगे? क्या हमें लालसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? कितने लोग कहते करनी चाहिए, अभी कई लोगों का हाथ नहीं खड़ा है। नहीं, वही हमारा गंतव्य है वास्तविकता के अंदर। मोर एक अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयन हरि को सदा युगल रूप राशि चेतो मार शरण लाए तारा वंशा पूर्ण है कृपा करे करो तारे वृंदावन वासी। राइट, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, है ना? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारे औकात देखिए, प्रार्थना करने चले निकुंज के अंदर भगवान आप जो है हमें आपकी दासी बनाइए, नहीं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का हमको यही विशेष उपहार है। हमारे औकात नहीं होगी, योग्यता नहीं होगी, लेकिन हमारे आचार्यों का, विशेषकर श्री चैतन्य महाप्रभु का ये उपहार है जो राधा रानी के भाव के अंदर आए हैं। इसीलिए आप देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, अभी हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं? वैधि साधना भक्ति। साधना भक्ति जो रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग की जाती है, लेकिन गंतव्य क्या है? ताकि शुद्ध हो सके आचार्यों के द्वारा दिए गए इस माध्यम को, और क्या पालन कर सके? रागानुगा भक्ति हो। और रागानुगा भक्ति क्या होती है? किसी रागात्मिका भक्त के अनुगत्य में रहकर किया गया श्रवण कीर्तन, जो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, तद नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन रचेत तदनुगामी जनानुरागी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। कि किसी ब्रजवासी के अंतर्गत में रहकर, तो जो ब्रजवासी है वो क्या है? रागात्मिका भक्त है। और जो उनके अनुगत्य में रहता है उसे क्या बोला जाता है? रागानुगा भक्त। यह साइंस भक्ति सबको समझना चाहिए। तो जो ब्रजवासी है भगवान के नित्य परिकर है, इटर्नल एसोसिएट्स है, वो कौन है? रागात्मिका भक्त। यशोदा नंद बाबा, राधा रानी, ललिता, विशाखा, भद्रसेन, ऋषभ, मधु, मंगल, ये सब भगवान के रागात्मिका भक्त हैं। तो हम रागात्मिका भक्त तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके पद चिन्हों का पालन करके राग मार्ग को पालन कर सकते, मतलब हमारा कर नहीं सकते ऑफकोर्स, लेकिन ये हमें ये चैतन्य महाप्रभु राग मार्ग को देने के आए थे। तो इस राग मार्ग को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप देखिए, जो सबसे बड़े रागात्मिका भक्त गोलोक वृंदावन में कौन है? जिनका प्रकट दिवस है श्रीमती राधा रानी। और वो जब भौतिक वृंदावन में राधा रानी के भाव में कौन सबसे बड़ा रागानुगा भक्त आया है? श्री चैतन्य महाप्रभु। राइट, इज द मूड ऑफ अ डिवोटी, द टॉप मोस्ट रागानुगा भक्त। श्रीमती राधा रानी की रागात्मिका सबसे बड़ी सेविका कौन है? मंजरी कौन है? बड़ा जनरल नॉलेज, बड़ा वीक है। श्री रूप मंजरी। और वो किस रूप में आई है? किस रागानुगा भक्त के रूप में? रूप गोस्वामी के रूप में। और ये दोनों महानुभाव चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, हमारे लिए क्या ग्रंथ लिख के जा रहे हैं? भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके अंदर वैधि साधना भक्ति दी गई है। इसलिए हमारा प्रेम उन आचार्य में तब दिखला दिया जाएगा जब हम उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पूर्णतया फॉलो करेंगे। क्योंकि राग मार्ग में तो अपराध की कोई बात ही नहीं हो सकती, वो इतने उन्नत होते हैं। केवल वैधि साधना भक्ति के ही जो 64 अपराध लिख दिए गुरु गोस्वामी ने, वो इसलिए तो लिखे क्योंकि वैधि साधना भक्ति में अपराध है, क्योंकि हम शुद्ध नहीं है इसीलिए वो अपराधों की चर्चा की गई है। इसीलिए वैधि साधना भक्ति के प्रोसेस की चर्चा की गई है, उसको जब हम पालन करें, लेकिन किस भावना से पालन करें? कि एक बार हमें भगवान राधा कृष्ण की उपासना करनी है। उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या है चैतन्य महाप्रभु का प्रोसेस? वो राधे राधे नहीं गा रहे थे, वो क्या गा रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वह संकीर्तन रस वह भगवान का नाम लेकर के गए। और आप राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं या कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, बताइए? कितने लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, कितने लोग राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं? तो राधा रानी कैसे प्रसन्न होती हैं? जब कृष्ण की सेवा करते हैं। आप इसे लोग पूछते हैं, राधे रानी को नहीं जप करते? हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो राधा रानी जप करती हैं, जिसको वो जब हम करते हैं, हम राधा रानी के अनुयायी, क्योंकि राधा रानी कृष्ण का नाम जप करती हैं। और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, रागानुगा भक्त के रूप में आए तो क्या जप कर रहे हैं वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए हम जो है, राधे राधे कौन जप करता है? कृष्ण जप करते हैं। राधे राधे जब कृष्ण जप करते हैं, राधा रानी नहीं जप, राधा रानी थोड़ी जप करती हैं।
तो राधा रानी के वास्तु के अनुयायी भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं, और गौड़ीय वैष्णव है वो चैतन्य महाप्रभु जो कि टॉप मोस्ट रागमों का भक्त हैं, उनके अंतर्गत रह के हम उनसे बड़े नहीं हो गए, हम प्रभुपाद से बड़े नहीं हो गए। प्रभुपाद से किसने पूछा, प्रभुपाद राधा कृष्ण लीला सुनाइए, प्रभुपाद सेड यू मे बी क्वालिफाइड टू हियर, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक। प्रभुपाद वो आप योग्य हो सकते सुनने के लिए, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ बताने के लिए। प्रभुपाद द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सनैलिटी, लेकिन फिर भी इसीलिए राधाअष्टमी के दिन हमारा जो राधा रानी को असली फॉलो करने का जो वो क्या कह सकते हैं तरीका है, वो है चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह को फॉलो करें। यही प्रभुपाद अपने हर की वी शुड वर्शिप राधा एंड कृष्णा फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु थ्रू द प्रोसेस ऑफ गिवन बाय चैतन्य महाप्रभु, राइट। वी शुड फॉलो इन द मूड फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज, सॉरी वी शुड हैव द मूड ऑफ गोपीज बट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ द सिक्स गोस्वामीज ऑफ वृंदावन, जो कभी नहीं कहते कि मेरे पास कृष्ण है मेरे पास राधा है, कोई नहीं कह रात शाम सपने में आए, ऐसा नहीं। वो कह रहे हे राधे व्रज देवी के चलिते हे नंद सुनो कुतः श्री गोवर्धन कल्प पाद प्रदे कालिंद वंदे कुतः, हे राधे हे व्रज देवी के हे रजता हे कृष्ण हे नंद पुत्र महाराज के पुत्र आप कहाँ पर हैं कहाँ पर हैं। जो है इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये भगवान को पुकार है, और विशेषकर श्रीमती राधा रानी को पुकार है कि हे श्रीमती राधा रानी आप मुझे अपने कृष्ण की सेवा में लगाइए, क्योंकि क्यों क्योंकि वो माता है। करुणा करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन वर्णिता चरिते, तो श्रीमती राधा रानी द मोस्ट कंपैशनेट, जहाँ से मान चालू किया था, राइट, शी इज मोस्ट मर्सीफुल देन कृष्णा, इसीलिए हम उनके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। और वही भाव चैतन्य महाप्रभु का है, और उसको अंगीकार करने का द बेस्ट प्रोसेस क्या है, प्रत्येक दिन हम श्री राधा कृष्ण का संग कर सकते हैं। कैसे, अपने 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करने के द्वारा, दैट इज व्हाट आवर टॉप मोस्ट गिफ्ट टू श्रीमती राधा रानी कैन बी, कि जब वो चैतन्य महाप्रभु उनके भाव में आए और उन्होंने हमें क्या दिया, ये हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हम स्वीकार कर लेंगे तो ये राधा रानी से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दैट बी अ बेस्ट गिफ्ट टू श्रीमती राधा रानी, एंड दैट विल मेक अ मोस्ट क्वालिफाइड टू गो टू श्री वृंदावन। विषय छाड़िया कभी शुद्ध हबे मन कभी हम हे रब श्री वृंदावन, ये आजकल एक्सप्रेस वे पकड़ने से हम वृंदावन जा तो सकते लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते, राइट। प्रवेश हम तभी कर सकते जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, विषयों से मुक्त होगा। तो हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे। आप सब फास्टिंग किए लग रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए जय जय श्री राधे। तभी अभिषेक चालू होगा। करुणा चंद्र की आप सबसे रिक्वेस्ट है राधा रानी के लिए, उनके द्वारा दिए गए गिफ्ट के अलावा एक और गिफ्ट दे सकते हैं आप। अंतिम दिन लॉन्च की गई स्कीम, आप सब इसके अंदर पूर्णतः भाग लीजिए। धोनी मंदिर निर्माण योजना के अंदर इसे गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं, आप अपने बच्चों को अपने पूर्वजों को अपने आने वाले संतानों को बोलने के पीढ़ियों को देखो ये वो मंदिर है जिसको बनाने में हमने योगदान दिया था, राइट। तो विशेष सेवा है, एक साल के अंदर सब बच जाते हैं, मंदिर समाप्त हो, बहुत लंबे समय से बन रहा है, 10 साल हो गया मंदिर बनते बनते है, तो भक्त लोग थक गए हैं, कह रहे नया मंदिर बनाएंगे, एक ही मंदिर बनाइए, तो आप लोग उसे थक गए होंगे योगदान देते देते, तो अंतिम अपने चेकबुक निकालिए सब और आज ही साइन करके करुणा चंद्र को दे दीजिए, अमाउंट मैं भर दूंगा, ठीक है ना। करुणा चंद्र कह रहे हैं कि राधा रानी का विशेष आभूषण उन्हें गिफ्ट देंगे, आज कोई भाग लेगा, ठीक है ना, अमाउंट मैं भरूंगा। हरे कृष्ण, तो आप कृपा करके इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। हमारे वरिष्ठ भक्तों की एंग्जाइटी है कि मंदिर जल्दी समाप्त हो, तो आप सब उसमें सहयोग कीजिए। हरे कृष्ण, जय श्री राधा राधिका भगवान की, अभी राधिका रमन को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तुरंत ही अभिषेक चालू कर देंगे। हरे कृष्ण, अभिषेक के दौरान हमारे बीच में कीर्तन के लिए कौन आया है वृंदावन से, श्यामानंद प्रभु। आप सब राधा कृष्ण का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वहां तो केवल जो किले तुम्हें पुजारी होंगे, यहाँ पे आप कर सकते हैं किसके द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैंने बहुत बार देखा स्टेज से हम लोग कीर्तन नहीं कर रहे होते, राधा को प्रसन्न करना है, जितना भी घंटा सब घंटा चलेगा आप सब बहुत उत्साह।